हैं कि आगे जो पदाधिकारी पहुंचे हैं इसमें, एसपी बघेल भी पहुंचे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कॉमन सिविल कोर्ट के बयान के बाद अब सियासत भी तेज हो चुकी है। मदनी का बयान आया है, मदनी ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान जो हमें चाहते हैं वो खुद पाकिस्तान चले जाए। बयान कैसे देख रहे हैं आप? अगर राष्ट्रद्रोहियों को ही पाकिस्तान जाने की ज़रूरत है, जो मादरे वतन को अपने देश को प्यार करते हैं वो यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जलेंगे, यहीं दफनाए जा रहेंगे और इस देश को मजबूत करेंगे। तो उनका जिनके प्रति इशारा है तो वो अपनी बात रखें। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे को बहुत साफ 100 बार कह दिया है, लाल किले की प्राचीर से खड़े को कह दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक सवाल यह है कि आज जो है प्रस्ताव वहाँ पास हुआ देवबंद में, जिसमें एनआरसी को लेकर प्रस्ताव है, दूसरा प्रस्ताव है ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? हमारी बघेल महासभा कोई प्रस्ताव पास कर ले तो देश मानने के लिए बाध्य है, आपकी पत्रकार परिषद कोई भी प्रस्ताव पास कर ले, या कोई भी समाज की सभा पास कर ले, या रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब प्रस्ताव पास कर ले तो कंट्री थोड़े उसको मानेगा। यह देश संविधान और कानून से चलेगा, किसी प्रकार के प्रस्तावों से नहीं देश चलेगा। उनका कहना है कि सीए एनआरसी को लेकर जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे एक चिंता का माहौल हो गया है और मैं चिंता करने मजबूर हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति अनलॉफुल वर्क ना करे, भारत की एकता अखंडता को कमजोर ना करे, नफरत की राजनीति ना करे, भाईचारे को बनाए, सामाजिक सौहार्द को अगर बना के रहता है तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, उसको कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आखिरी सवाल, कॉमन सिविल कोड को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जनता पार्टी के एजेंडे में काशी, मथुरा, अयोध्या, धारा 370-35 से ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड था। मुझे कहते हुए यह हर्ष हो रहा है कि काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं और कॉमन सिविल कोड होना ही चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास दिल, दिमाग, फेफड़े, लिवर, किडनी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक है, तो कानून हमारे आपके शरीर पर दूसरा अप्लाई हो, मेरे पे दूसरा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश संविधान और संविधान में प्रदत्त अधिकार और कानूनों से चलेगा और ये कबीलाई संस्कृति इस देश में अब नहीं चलेगी। लोग कह सकते हैं कि लगातार जो है जो कॉमन सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री का जो बयान आया उसके बाद से लगातार मदनी का जो बयान है वो अब सियासत का केंद्र बना हुआ है। चेयरमैन रामबाबा साहब, विशाल लोगंशी, जी मीडिया, लखनऊ।